बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। सर्राफा व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले बदमाशों से स्वाट टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस की हुई मुठभेड़। जवाबी कार्यवाही में दो बदमाश घायलावस्था एवं एक बदमाश कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार। कब्जे से अवैध हसलहा कारतूस व बाइक बरामद। बुलंदशहर स्वाट टीम एवं थाना कोतवाली नगर पुलिस तलाश वांछित अपराधियों की धरपकड़ में मामूर थी कि इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि पुनः बदमाशों द्वारा सर्राफा व्यापारी प्रदीप कुमार मित्तल उर्फ गुड्डू से रंगदारी की मांग की गई है। पुलिस टीम को तकनीकी माध्यमों से बदमाशों की वलीपुरा नहर की पटरी पर जाने की जानकारी प्राप्त हुई। तत्काल स्वाट टीम एवं थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए वलीपुरा नहर पटरी पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबंदी की गई तो बाइक सवार बदमाश तेज गति से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो बदमाशों द्वारा अपने आप को पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिनको गिरफ्तार किया गया तथा एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसको भी कॉम्बिंग कर कुछ दूरी से अवैध हसलहा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार घायल बदमाशों की पहचान जयदीप पुत्र विजयराज सिंह एवं तरुण उर्फ कलुआ पुत्र नंदलाल उर्फ नंदू निवासी गंज ग्राम जलालपुर करीरा थाना शिकारपुर जनपद बुलंद शहर के रूप में हुई तथा तीसरे बदमाश की पहचान हितेश उर्फ छोटू पुत्र कृष्णवीर निवासी उपरोक्त के रूप में हुई। घायल दोनों बदमाशों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से अवैध असलहा कारतूस व स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। उल्लेखनीय है कि उक्त बदमाशों द्वारा दिनांक 4 जून 2022 को थाना शिकारपुर क्षेत्र मंदिर से मोबाइल फोन लूट कर उसी दिन उस मोबाइल से सर्राफा व्यापारी प्रदीप कुमार मित्तल उर्फ गुड्डू पुत्र मदनलाल मित्तल निवासी शिकारपुर कंपाउंड डीएम रोड कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर को कॉल कर 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर मुकदमा संख्या 473 22 धारा 384 507 504 भादवी पंजीकृत है। पुन अभियुक्तों द्वारा एक अन्य फोन से सर्राफा व्यापारी को प्रदीप कुमार मित्तल को कॉल कर रंगदारी की मांग की गई थी। इस अभियोग के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस द्वारा तकनीकी माध्यमों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे थे कि इसी क्रम में आज बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 20,000 रुपए के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता जयदीप पुत्र विजयराज सिंह निवासी ग्राम जलालपुर करीरा थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर तरुण उर्फ कलुआ पुत्र नंदलाल उर्फ नंदू निवासी उपरोक्त हितेश उर्फ छोटू पुत्र कृष्णवीर निवासी उपरोक्त। बरामदगी 3 तमंचे 315 बोर मई 4 जिंदा व 3 खोखा कारतूस एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर रंगदारी मांगने में प्रयुक्त लूटे गए मोबाइल सहित 2 मोबाइल फोन बरामद। सर कोतवाली नगर क्षेत्र में बदमाश से मुठभेड़ हुई है, पुलिस क्या पूरा मामला सर? दिनांक 4/5/22 को एक प्रदीप मित्तल है, जिनकी दुकान सोने चांदी की कोतवाली नगर में हुई, शिकारपुर में हुई है। इनको एक धमकी आई थी जिसमें इनसे रंगदारी मांगी गई थी। इसके परिप्रेक्ष्य में 5 तारीख को इन्होंने कोतवाली नगर में सूचना दी थी, जिस पर मुकदमा रंगदारी का मुकदमा कायम हुआ था। इसके लिए टीमें लगाई गई थी। इसमें जब टीम ने काम किया तो पता चला कि एक मोबाइल उसी दिन 4 तारीख को शिकारपुर थाना क्षेत्र से लूटा गया था एक मंदिर से। उसी मोबाइल को रैंसम मांगने में रंगदारी मांगने में उपयोग किया जा रहा था। उसके लिए सर्विलांस टीम ने काम किया, लेकिन चूंकि उसी फोन को यूज करता था, यूज करने के बाद फोन बंद कर दिया जा रहा था। पुलिस सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन पुलिस लगातार वहाँ पर काउंटिंग कर रही थी, वहाँ पर पूछताछ कर रही थी। उसमें कुछ नाम प्रकाश में आ रहे थे, लेकिन वो कन्फर्म नहीं हो रहा था। इसी बीच उनका मोबाइल फ़ोन जो पुराना था उसको बंद करा दिया गया था। बदमाशों ने जब वो फ़ोन बंद नया फ़ोन बंद हो गया पुराना फ़ोन बंद हो गया नया फ़ोन प्रयोग किया। आज जब उस फ़ोन का प्रयोग करके धमकी दिया उसने, तो उसकी सूचना प्रदीप मित्तल द्वारा पुलिस को दी गई। इस पर उसकी लोकेशन निकलवाई गई, पता चला उसका लोकेशन बदमाशों का बलीपुरा नहर पर है। वहाँ पर एक तरफ से एसओजी की टीम, स्वाट की टीम आई और एक तरफ से कोतवाली नगर की टीम ने प्रयास किया। जब वहाँ पर गए तो बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किया गया। उसमें 2 बदमाश घायल हो गए, एक बदमाश भाग गया। भागे हुए बदमाश को भी कुछ देरी बाद कामिंग करके पकड़ लिया गया। बदमाशों के पास से जिससे रैंसम मांगा जा रहा था और एक मोबाइल लूटी गई थी, वह मोबाइल बरामद हुआ है। जिससे नया मोबाइल आज जिससे रैंसम मांगा गया, रंगदारी मांगी गई थी, वह मोबाइल बरामद हुआ है। उनके पास से 3 तमंचे 4 जिंदा कारतूस 3 खोखा कारतूस एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिस पर नंबर नहीं कोई पड़ा हुआ है, ये बरामद हुए हैं उनके पास से। जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल भिजवा दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। बाकी आगे उनसे और पूछताछ की जा रही है और आगे कुछ भी कार्रवाई
पूर्ण कराई जा रही है। पुलिस टीम को इनाम सर? इस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 20,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई इस क्लास के लिए।